श्रीमती सुप्रिया सुले जी, सर आई वुड लाइक टू आस्क यू, महाराष्ट्र हैज लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ कंपनीज हु वुड लाइक टू एक्सपोर्ट एंड वांट टू बी इन दिस बिजनेस, इंक्लूडिंग अ बिग प्रोजेक्ट विच केम टू मिहान, और कंपनीज लाइक भारत फोर्ज, बट दे स्टिल सीम टू स्ट्रगलिंग टू मेक इन इंडिया. द अर्लियर चीफ मिनिस्टर मेड अ लॉट ऑफ फैनफेयर, बट इट हैज नॉट क्रिएटेड इन टू इन्वेस्टमेंट्स और जॉब क्रिएशन. सो कैन यू गाइड अस that I understand it's a very sensitive subject, defense is a very sensitive subject, so in a limited gambit of whatever you can share with us, that how, because all these companies do want to be into this business but they are not getting the kind of orders in a competitive manner only on merit. So if you could give some direction, because a lot of these companies are from my state, which is Maharashtra. Mani Rakshan ji, ek minute aap bhi pooch le ek saath hi, Shashi Tharoor ji, taki ek saath hi jawab ho jayega. Interesting thing is that the defense production of our country seems to have gone up by 12% from the 80,502 crores of 2018-19 to 90,000 crores this year, at least the target of the ministry. However, there is still a sizable dependency on foreign original equipment manufacturers for subsystems and components. Now, until we cut that dependence down and develop comprehensive capabilities in our country itself, how can we export? Others will be importing more in order to manufacture, in order to export. So the question that comes up with the minister is, what is the current standing of indigenization of our subsystems and equipment, and what is the value of exports of arms from this country last year, this year, and what you're projecting for the rest of the fiscal year? Thank you. वैसे अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न की मैं जानकारी दे दूं कि इसको जो उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा कि उसके कई साइलेंट फीचर्स हैं. यदि आप कहें तो मैं उसकी डिटेल में आपको जानकारी में सुना चाहते सुना थोड़ा सुना दे कि रक्षा वाले विषय के अंदर इतना ही बताना चाहिए जितनी आवश्यकता. साइलेंट फीचर्स कई हैं, चूंकि पॉलिसी की बात कही है तो पॉलिसी के जो साइलेंट पॉइंट्स हैं, बट नेचुरल है कि उसको हमको मेंशन करने की जरूरत होगी. लेकिन आपकी इजाजत हो तब मैं करूंगा, नहीं करूंगा आपकी. नहीं, मैं करना चाहता हूं तो फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारी जो हमारी इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट जो या कंट्रोल जो सिस्टम है, इसके अंदर उपयुक्त एक्सपोर्ट की एक मार्केट की पहचान करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन एवं सुविधा एक निकाय का एक बॉडी का भी गठन किया गया है. और इसमें सेक्रेटरी हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन होते हैं, इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी भी का गठन किया गया है, जो बराबर एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं उनकी समय समय पर उसकी वो समीक्षा करती रहती है. और साथ ही साथ इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें और आगे आगे क्या स्टेप लेने चाहिए, अथवा जो प्रेजेंट हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी को प्रॉपरली हमको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ सके, इस संबंध में यह बराबर कमेटी विचार करती रहती है. और साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट संबंधी जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए हम कभी कभी सरकारी सहायता भी प्रदान करते हैं या अन्य किसी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस यदि जो उनको प्रोवाइड किया जा सकता है वह फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं. और दूसरा प्रश्न जो इन्होंने सुप्रिया जी ने पूछा है कि वो ऐसी कंपनीज का नाम पूछा है. हाँ, इनको एनकरेज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो करना चाहते हैं महाराष्ट्र की बहुत सारी कंपनीज डिफेंस, भारत फौज है, मियान में बहुत इन्वेस्टमेंट, जितनी अपेक्षा थी उतनी आई नहीं है. दैट्स ऑल. वैसे मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी कंपनीज को जो भी मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है हमारी पॉलिसीज के तहत वह हम वह फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का यह लक्ष्य है कि इंडिजनाइजेशन को हमको आगे बढ़ाना है ताकि हम अधिक से अधिक वेपन्स आर्म्स एम्युनिशंस यह अपने कंट्री में ही उसको तैयार कर सकें. और मैं अध्यक्ष महोदय सदन को इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों से इंडिजनाइजेशन पर गवर्नमेंट ने जो है विशेष रूप से जो है बल देना प्रारंभ किया है, और ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिनका कि इंडिजनाइजेशन हम लोगों ने किया है और हम लोग अब अपने देश में ही उसे तैयार करने का काम कर रहे हैं.